अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं NW फूड सीक्रेट और मैं हूं आपकी होस्ट नवीता वहीद। नाज़रीन, आज बहुत मज़े की चटनियां मैं आपको बताने लगी हूं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं किचन में। हम बनाकर अगर फ्रिज में रख लें तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। आज मैं आपको दो किस्म की चटनियाँ बताऊँगी, ठीक है? सबसे पहले हम धनिए पुदीने की हरी भरी चटनी बनाएंगे, ठीक है नाज़रीन? ये देखें, ये मेरे पास चंद जवे जो है ना लहसुन के हैं, इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, ठीक है? और इसके बाद जो है ना हम अगला प्रोसीजर करेंगे। जी नाज़रीन, अब यहाँ पे हम अपनी जो है ना चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये लहसुन जो है ना मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये तकरीबन देसी लहसुन के छोटे जवे हैं, तकरीबन 8-10। अगर आपके पास बड़े वाला है तो वो 3-4 से आप ज़्यादा ना डालें, ठीक है? और ये मेरे पास है 1 कप धनिया और तकरीबन 1/2 कप पुदीने की पत्तियाँ, ये हम इसमें डाल देंगे। ये है मेरे पास तकरीबन, ये कड़वी वाली मिर्ची हैं, ये तकरीबन 7 से 8 मिर्ची हैं और 2 मैंने रेड डाली हैं और ख़ुद से डाली हैं मैंने। ये हैं ताज़ी वाली मगर रेड है, क्योंकि इनका टेस्ट बड़ा डिफरेंट सा आएगा इस चटनी में। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1/2 टेबल स्पून मैं नमक डालूँगी, क्योंकि नाज़रीन ये चटनी जो है ना इसको हम स्टोर करने वाले हैं, तो जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो नमक हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून डाला है नमक का। दूसरा ये कि पानी थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि इसको ग्राइंड करने के लिए पानी लाजमी है। मैं तकरीबन 3-4 चम्मच पानी के डाल देती हूँ। और नाज़रीन ये मैं आपको बता दूँ, अगर ये आप चटनियाँ, दो किस्म की आज मैं आपको चटनियाँ बताऊँगी, एक इमली आलू बुखारे और सूखी खुरबानी जो है उसकी मैं खट्टी मीठी चटनी बताऊंगी, और ये होगी आपकी हॉट स्पाइस मिर्चों वाली चटनी हरा धनिया और पुदीना और लहसुन के साथ, ठीक है? ये आपके इतने काम आने वाली है, इतने काम आने वाली है, आप इसको पकौड़ों के साथ खा सकती हैं। जी नाज़रीन, इसको प्रिजर्व करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच जो है ना टेबलस्पून हम इसमें सिरका ऐड कर लेंगे, ठीक है? जी नाज़रीन, तो हमारी चटनी जो है तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसको अगर खोलूँगी ना, क्योंकि मिर्चें काफ़ी कड़वी हैं, तो ज़रूर हमारे गले को लग जाएगी। ये देखें, अभी मैं इसको जार में निकालूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन, ये चटनी आप समोसों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लड्डू पीठियों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ये देखें नाज़रीन, कितनी ज़बरदस्त हमारी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। आप इसका मैंने जायका भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत हॉट और बहुत ज़बरदस्त, ठीक है? अब मैं इसको एक जार में निकाल लूँगी। नाज़रीन, ये जो सिरका हमने डाला है वो इस वजह से डाला है कि ये हमारी चटनी जो है ना हफ्तों ख़राब नहीं होगी, ठीक है? ये सारा मैं साफ़ करके इसी में डाल लूँगी। और ये देखें, इतना ज़बरदस्त ये इसका कलर है, लुक इसकी यही रहेगी क्योंकि हमने इसमें सिरका डाल दिया। नाज़रीन, पकौड़ों के साथ आप इसको दही में मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है? समोसों के साथ, जो बाज़ार की चटनी है आपको पता है वो कैसी होती हैं। ये चटनी इतनी मज़े की होगी, लहसुन भी डाला है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी थोड़ी सी खा सकते हैं। और नाज़रीन, लड्डू पीठियाँ, समोसे, पकौड़े और गोलगप्पे ख़ास तौर पर, ठीक है? तो आप ये घर पे बनाकर ज़रूर रखें। अब अगली जो चटनी है हमारी वो है, जी नाज़रीन, आज की जो हमारी दूसरी चटनी है वो है खट्टी मीठी आलू बुखारे, इमली और सूखी खुबानी की चटनी। ये देखें, ये मैंने आलू बुखारा और इमली जो है रात को मैंने भिगो दी थी इस मिट्टी की हांडी में, अब ये अच्छी तरह भीग चुकी है, ठीक है? और ये पल्प इमली का, ये भी मैंने भिगो दी थी और इसको मैंने अच्छी तरह मसल के इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं, लेकिन हम फिर भी इसको छानेंगे, ठीक है? इसको पहले हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। जी नाज़रीन, ग्राइंडर में हम पानी समेत ऐसे ही इसको डाल लेंगे।
ठीक है, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये फाइन ग्राइंड हमारी हो चुकी है बिल्कुल। एक ये देखिए सर, ये इस तरह का गाढ़ा पल्प बन गया है। अब इसको छान कर हम ये एक पैन में डालेंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, हौसला अफजाई करें बहन की। जी नाज़रीन, अब जो है ना एक पैन में मैं इनको इसको छान लूँगी। ये इमली का पल्प है, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, इमली का पल्प जो है आप थोड़ी सी अपनी ग्रीन चटनी लेकर उसमें भी शामिल कर सकते हैं, आप उसमें लेमन भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद हो कि आपको खट्टा चाहिए तो आप थोड़ा सा लेमन उसमें शामिल कर लें। अब मैं इसको छान लेती हूँ, ठीक है। और जो इमली आलू बुखारे, वो आलू बुखारा और खुबानी को जो हमने ग्राइंड किया है उसको भी छान लेंगे। जी नाज़रीन, ये आलू बुखारा और खुबानी का जो पल्प है ये मैंने छान कर चूल्हे पर रख दिया है पकने के लिए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूंगी और जो इमली का पल्प है वो हम बाद में ऐड करेंगे। जी नाज़रीन, चीनी में मैं इसमें डाल दूंगी ताकि ये पकता रहे। ये एक पाव मेरी खुबानियाँ थी जिसको मैंने ओवरनाइट भिगोया, तकरीबन 10 दाने जो थे वो आलू बुखारे के थे। और नाज़रीन ये मैं आपको बता दूं, अगर आप आलू बुखारा स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरे पास पड़े हुए थे मैंने डाल दिए। एक कप छोटा जो होता है आम नॉर्मल चाय वाला, वो मैंने तकरीबन इसमें चीनी डाल दी है। एक पाव के अंदर एक पाव खुबानी और इमली का पल्प जो है वो तकरीबन आधा पाव के करीब थी इमली, जिसका मैंने पल्प निकाल के रख दिया, वो हम बाद में शामिल करेंगे, ठीक है। अभी चीनी पकेगी और इसके साथ मैं इसमें चिली फ्लेक्स जो है ना वो ऐड करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा करारापन आए। जी नाज़रीन, ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है ना चिली फ्लेक्स है, इनके कलर पे ना जाइएगा क्योंकि ये मैंने घर पे खुद तैयार की है। जी नाज़रीन, ये हमारा इमली का पल्प जो है ना वो अब मैं डालूंगी, ठीक है। अच्छी तरह से साफ कर देंगे। जी नाज़रीन, अब मैं इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने चिली फ्लेक्स इसमें डाले हैं, तो हाफ टी स्पून जो है ना नमक चाहिए। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, हमारी आलू बुखारे इमली और खुबानियों की चटनी, खट्टी मीठी चटनी तैयार हो रही है। माशाल्लाह तैयारी के मराहल पे है। अब मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करूंगी, मैं रेड नहीं करूंगी, येलो करूंगी, इसलिए कि खुबानी जो है वो थोड़ा येलो हमें लुक देती है। थोड़ा सा ये ऐड कर देते हैं, तकरीबन क्वार्टर टीस्पून, उससे भी कम। जी नाज़रीन, हमारी जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून सिरके के ऐड करूंगी क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है ताकि ये ख़राब ना हो, ठीक है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें चले गए हैं। जी नाज़रीन, नाज़रीन अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह की ये चटनी है जैसी हमें चाहिए। अच्छा एक चीज़ नाज़रीन मैं आपको बता देती हूँ, गाइड कर देती हूँ, वो ये है कि मैं जितनी भी चीज़ें खाने बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है कोई उसमें आर्टिफिशियल चीज़ ना जाए। अब इसमें अगर इस मौके पे आपकी चटनी पतली हो तो आप उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल सकती हैं, ठीक है, और उसको फिर पकाना भी है। क्योंकि मेरी जो है इस वक्त चटनी बिल्कुल पतली नहीं है, जब इसने ठंडे होना है तो इसने और गाढ़ा हो जाना, ये नेचुरल बिल्कुल जो है ना परफेक्ट बन चुकी है। अब मैंने इसमें सिरका भी ऐड कर दिया है, इतनी मज़े की बनी है नाज़रीन। अभी मैं आपको जार में डालती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया, अब हम इसको जार में भर लेंगे। ये देखें नाज़रीन, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये ज़्यादा थोड़ा सा गर्म है तो इसको थोड़ा सा
ठंडा होने देते हैं। जी ये देखें नाज़रीन, ये हमारी देखें सर इमली आलू बुखारे की चटनी कैसी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अच्छा नाज़रीन, हम बाज़ार के लिए नहीं, घर के लिए मैंने ये बनाई है, ठीक है। इसमें कोई कमर्शियल नहीं है, वो इसलिए कि हमने इसमें कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर नहीं डाला। आपको पता है कॉर्न फ्लोर बाद में 2-3 दफ़ा आप चम्मच बच्चे मारेंगे और ये पतला पानी हो जाएगा, इसलिए ये नेचुरल हर चीज़ है इसमें ना ये पतली बल्कि थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। आप जितने मर्जी चम्मच इसमें हिलाएं, जो मर्जी करें, इसकी कंसिस्टेंसी यही रहेगी। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये दोनों हमारी चटनियाँ जो तैयार हो चुकी हैं। ये हमारी हरी भरी चटनी जो है, ये करारी हरी मिर्चों की और हरा पुदीना धनिया, ये भी मैंने स्टोर कर लिया, ये 1 महीने के लिए आपके घर के लिए काफ़ी होगी। जी नाज़रीन, हमारी जो दोनों चटनियाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं, ठीक है। ये खट्टी मीठी चटनी, ठीक है, इसमें हमने चिली फ्लेक्स भी डाले हैं, और ये हमारी हॉट स्पाइस चटनी, हरी मिर्चों की चटनी, धनिया पुदीना इसके अंदर है। और नाज़रीन, आप फ्रिज में रखें, बाहर रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, समोसे पकौड़े लड्डू पीठियों और बहुत सारी चीज़ों के साथ। अगर आप सिर्फ रोटी के साथ आप ग्रीन चटनी लें, इतनी मज़े की, लहसुन का इसमें ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है, आप ये ज़रूर बना कर रखें। नाज़रीन, दही भल्ले हम बाज़ार से लाते हैं, सिर्फ उन्होंने ये मीठी चटनी के नाम पर जो है ना वो स्टार्च घोला होता है और चीनी होती है, ये आप खाएंगी दही भल्लों पे डाल के आप याद करेंगी, तो इसलिए ये घर पे मौजूद होनी चाहिए। मैं हमेशा घर पे बना के रखती हूँ, मज़ा दुबाला हो जाता है। वैसे तो मैं हर चीज़ दही बड़े वगैरह घर पे तैयार करती हूँ, ठीक है। आप लोग अगर घर पे नहीं तैयार करना चाहते, अगर जल्दी जल्दी कोई मेहमान आ गया, मंगवाना चाहते बाज़ार से, मंगवाएं और चटनी अपनी इस्तेमाल करें, ये इतनी जबर, इसको दही में डालकर आप रायते के तौर पे यूज कर सकती हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। NW फूड सीक्रेट से नवीदा वहीद को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां दे, आपकी हर मुराद पूरी करे। तो जी नाज़रीन, मेरा एक आपसे सवाल है कि आप इन चटनियों को किस चीज के साथ खाना पसंद करेंगे, ठीक है। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपकी हर मुराद हर दुआ कबूल करे, नेकी करते रहें, नेकी की दुआ मांगते रहें। आमीन सुमा आमीन। नवीदा वहीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।